सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन कौन करेगा? तो इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा। एक्सरसाइज का नाम याद रखना तरंग शक्ति है। अभी वेन्यू वगैरह कोई फाइनल नहीं बताया, इसमें अगस्त में होगा ये बताया। लगभग 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दो चरणों में होगा, दो स्टेज में। पहला चरण दक्षिण भारत में होगा और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में होगा। आप ये याद रखो, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है और हमारे दो चीफ अभी बदल गए हैं। थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, मनोज पांडे की जगह आए, और नेवल चीफ नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए, ये आर हरि कुमार की जगह आए। फिर पूछ रहे प्रेरणा स्थल क्या है, इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन तो उपराष्ट्रपति जी ने कर दिया, जो कि जगदीप धनखड़ है। कहां पे किया? संसद भवन परिसर में। अब ये है क्या? देखो, प्रेरणा स्थल ये वो स्थान है जहाँ पे संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में जो भी प्रतिमाएं हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी की, बीआर अंबेडकर जी की, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय इतिहास के जो प्रतीकों की जो मूर्तियां हैं, और इन्होंने बता दिया कितनी मूर्तियां, 15 मूर्तियां, इन सभी मूर्तियों को अलग अलग जगह से ला करके एक ही स्थान पर रख दिया गया और उसी स्थान को प्रेरणा स्थल बोला है। समझ में आ गया? फिर पूछ रहे अभी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये मनाया गया 17 जून को। उद्देश्य है मनाने का मरुस्थलीकरण, भूमिशरण और सूखे से जुड़े मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या रही? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर हेरिटेज अवर फ्यूचर। और मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो भूमिशरण को रोकने से संबंधित है, तो याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15। इसके ऊपर भी मैं ट्रिकी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। ये सारे नाम आपको उस वीडियो को देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, तो मैंने सारे एक जगह लिख दिए। जैसे कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, पेरू और चिली सीमा पर मिलेगा, ये दोनों देश साउथ अमेरिका में है। पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और इसके दक्षिण में प्रसार को क्या कहा जाता है? साहिल प्रदेश। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिल जाएगा। गोबी का मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया के बीच में आपको मिलेगा। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है और सऊदी अरब में ही अल नैफूद मरुस्थल भी है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालयों को चुना है? तो आंसर होगा 1। तो अभी यूनेस्को ने प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए दुनिया के टोटल 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों, म्यूजियम्स को चुना है, जिसमें से भारत का भी एक है, जिनमें से एक भारत से भी है। कौन सा है? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। कहां पर है ये? गुजरात के भुज में है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। वैसे अभी इनको नॉमिनेट किया गया है, दुनिया से ये 7 म्यूजियम लिए गए, अब इनमें से किसी एक को ये पुरस्कार मिलेगा। अगर भारत वाले को मिल जाता है तो हमारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। अगर नहीं भी मिलता ना, तब भी हम 7 में नॉमिनेट हो गए, दुनिया के 7 संग्रहालयों में नॉमिनेट हो गए, तो भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद होगा इस साल यूनेस्को की 46 नंबर का जो सेशन है, जो सत्र है, उसका आयोजन भारत करेगा, याद रखना ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार को। देखो अभी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है 2024 के लिए। पहले तो ये याद रखो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। आपको पता होगा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं तो हो गई, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी। पहले हम यह बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कारों की। देखो हिंदी और इंग्लिश का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टोटल 24 भाषाओं में है, तो वो तो मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊंगा। तो हिंदी और अंग्रेजी का देख लो, और बाल पुरस्कारों में बात कर रहे हैं पहले। तो हिंदी का तो देवेंद्र कुमार को मिला है उनके उपन्यास 51 बाल कहानियों के लिए। अंग्रेजी का नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है उनके नॉवल द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए। अच्छा, बीच बीच में थोड़ी आवाजें आपको आ सकती है, बाहर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करना है। ये हमने बाल साहित्य पुरस्कार की बात करी, अभी युवा साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसमें हिंदी का गौरव पांडे को मिला है उनके उपन्यास स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, और अंग्रेजी का मिला है के वैशाली को उनके उपन्यास होमलेस ग्रोइंग अप
लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, आराम से पुरस्कार के रूप में इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अब एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी होता है जो लास्ट 2023 का दिया गया था, 2024 का नहीं मिला वो अभी, तो 2023 का याद रखो। हिंदी में तो संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को मिला है रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। फिर पूछ रहे भी किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है, तो नाम याद रख लो सिद्धेश साकरे हैं, ये महाराष्ट्र के किसान है और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं। एक्चुअली ये सम्मान दुनिया के 10 लोगों को मिला है जिसमें से भारत से ये एक हैं, तो इसलिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्होंने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए लागत प्रभावी उपकरण बनाया था, उसी के लिए इनको चुना गया है। फिर पूछ रहे हैं भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा, तो आंसर होगा छठा देश होगा। डीप सी मिशन में आपको पता ही है समुद्र के अंदर गहराई में हमें जाएंगे, खनिजों की खोज होगी और ओशन साइंस और समुद्र की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी यहाँ पे होगी। इसमें एक समुद्र यान हमने तैयार किया है जिसका नाम मत्स्य यान 6000 है। 6000 से मतलब हो गया 6000 मीटर तक नीचे हम जा सकते हैं, और इसके लिए इसरो ने भी एक टाइटेनियम रूफटॉप तैयार किया है जो समुद्र की गहराई के दबाव को झेलने में मदद करेगा इस यान की। तो भारत छठवां देश है ये याद रखना, भारत से पहले ये सभी देश जा चुके हैं, मतलब इसे डीप सी मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। फिर पूछ रहे हैं यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, वन लाइनर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में हुआ, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में कौन शामिल हुआ, तो बहरीन। तो चांग E7 मिशन आपको पता है, नाम से पता चल रहा होगा, चाइना का मिशन है, और इसका मिशन का उद्देश्य है 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज करना, और इस बार इसमें इजिप्ट और बहरीन भी साथ दे रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएंगे, और इस कैमरे की मदद से चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। अभी आपको याद होगा चाइना ने चांग E6 मिशन लॉन्च किया था जो कि चांद के दूरस्थ हिस्से पर जाकर वहाँ के मिट्टी वगैरह सैंपल वगैरह लेकर के पृथ्वी पर वापस आया था। वैसे चीन वालों ने कहा कि उनका लक्ष्य है 2030 तक चांद पर इंसानों को उतारना, और हमारा लक्ष्य क्या है चांद पर इंसानों को उतारने का 2040 का है, हमारा स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 का है, ये दोनों याद रखना। इजिप्ट और बहरीन आए हैं तो स्टैटिक देख लो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड, और अभी ब्रिक्स में जो 5 नए देश शामिल हुए हैं उसमें इजिप्ट भी है, बाकी चारों के नाम आपको बताने हैं, और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ ये नाम भी आपको बताना है, अभी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कई बार बताया है। बहरीन की कैपिटल मनामा होती है, करेंसी है बहरीनी दिनार। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किस भारतीय को भी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा विनोद गनात्रा को, प्रख्यात बाल निर्माता हैं ये विनोद गनात्रा, और अभी उनको बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। बाकी देखो नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें, आप जानते हो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, 1994 में बने थे, 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला है, भारत रत्न भी हमने उनको दिया था जो कि हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कब 1990 में, और एक नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 18 जुलाई को, और ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। याद रखना साउथ अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको रिवाइज करा दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी साल नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 किसे दिया था, एक भारतीय संस्थान है निमहंस उसको दिया था, याद आया होगा आपको, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहे हैं 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सुब्बैया नल्लामुथु को, ये प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं सुब्बैया नल्लामुथु, और इनको अभी 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें कहाँ पे मिला, अभी जो मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था वहीं पे, और ये पुरस्कार देता कौन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है, और अभी कैबिनेट मंत्री वाला ट्रिकी वीडियो आपने देखा होगा, तो ये मंत्रालय किसके पास है, तो याद रखना जिनके पास रेल मंत्रालय है यानी कि अश्विनी वैष्णव के पास। इसमें पुरस्कार में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया, तो आंसर होगा उड़ीसा। ये महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, 2007 से लेकर 2013 तक उड़ीसा के गवर्नर रहे थे, वैसे ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या खास बात है, क्यों बता रहा हूँ मैं,
क्योंकि अभी इसी साल मार्च के महीने में इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई थी, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बन सकता है। उस बुक का नाम मैं आपको बता दूं, द आर्क ऑफ मेमोरी माई लाइफ एंड टाइम्स, तो ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा RBI को। और कौन देता है ये सम्मान, किसने दिया, सेंट्रल बैंकिंग लंदन UK के द्वारा दिया गया। पिछले साल आपको याद होगा RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। पूछे पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुंबई में मुख्यालय है। किस आयोग की सिफारिश पे इसकी गठन हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। तो यहाँ से RBI के भी सारे स्टैटिक मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय ये कौन सा बन गया, तो आंसर होगा असम। तो याद रखना है सिंपल सा, असम सचिवालय ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया, मुख्यालय या सचिवालय बन गया। एक्चुअली में असम सचिवालय में अभी 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था, मतलब सोलर पैनल लगाए गए हैं और वहां पे जितनी भी बिजली आपूर्ति की जो जरूरतें होती है वो अब इसी से पूरी होगी, सोलर एनर्जी से ही। लागत 12.5 करोड़ रुपए आई है, तो इसे ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 जून को। हर साल 16 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में। थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। एक परिवार से और दिवस याद आएगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, वो 15 मई को होता है। फिर पूछ रहे हैं भी किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल जीता, तो आंसर होगा ली जी जिया ने। ये मलेशिया के प्लेयर हैं और वुमेन सिंगल आयो ओहोरी ने जीता, वो जापान की प्लेयर हैं। ये कहाँ पे हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, मेरे दोस्त मेरे भाई कर देना यार। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।